भैंस की टांगी है, अरे सॉरी भैंस की टांगी फिर से। और ये हमारे अंकल चारों निकालते हैं, ये चंदन देख लो गाइस। चारों टंकी कभी मत मारना, आधे तो रास्ते में मर जाते हैं सच में। तो ये ट्रक देखो, और इसके सामने छोटा हाथी देखो, मतलब छोटा ट्रैक्टर। हेलो गाइस, 30 डे चैलेंज का डे 10 हमारा। ब्लॉग बनाते और शॉर्ट बनाते हो तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए और हम बनाते रहेंगे भाई कंटिन्यू। ये देखो ब्लॉग अपलोडिंग चल रहा है और हम यहाँ पे आते हैं थारोंडा के पास। थारोंडा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है भाई वाईफाई, इसलिए हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और ब्लॉग अपलोड करते हैं। जाए ये है भाई मट्ठी और अंकल चिप्स, आज तो अंकल चिप्स ही बोलूंगा। उस दिन मैंने क्या बोला था, लेज लेज बोल दिया था मैंने उस दिन गलत। 30 से अब पेट पूजा कर लेते हैं, भूख लगी हुई है वैसे भी। फिर मिलते हैं, जाओ। गाइस अभी अंकल की शॉप पे आए हूँ दक्स कार डेकोरेशन पे। अभी यहाँ पे जितना भी आइटम है कार डेकोरेशन का वो हमें यहाँ से उठा के दूसरी शॉप में शिफ्ट करना है। बहुत सारा माल भरा हुआ है यार यहाँ पे, तो इसको सारे को उठाएंगे और वो सामने शॉप दिख रही है आपको, वो उसमें हम शिफ्ट करेंगे। बट यार इतना आइटम कैसे उठा के लेके जाएंगे अपन? ये आइटम उठाएंगे नहीं, इसे ना गाड़ी में शिफ्ट करेंगे फिर वहाँ पे ले जाएंगे शायद। और अगर पैदल ले जाना पड़ा तो भाई मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। गिलास में मनी प्लांट बढ़िया लग रहा है यार वैसे, और ये भी बढ़िया है, इसको है ना धूप चाहिए फिर ये खुद ही रोटेट करता है। और हाँ गाइस, जो भी नीम का थाना से मेरे ब्लॉग वॉच कर रहा है उन्हें अपनी कार डेकोर करवानी हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर अभी आपको मैं बता दूँ, और एड्रेस है यहाँ का नीम का थाना गावड़ी मोड़ पुराना टूल टैक्स डक्स कार डेकोरेशन। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो। और गाइज आपको मैं दिखा देता हूँ हमारे पास क्या क्या आइटम है कार डेकोरेशन के। सबसे पहले हमारे पास मनी प्लांट है जो आप अपनी कार में रख सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। व्हील कवर है, लाइटें हैं हर तरह की, स्पीकर हैं, देख लो यार मेरे को तो इतना नहीं पता बट आइटम देख लो। ये मेट है, ये देख लो, आप देख के समझ जाओ, जिसके पास कार है उसे नॉलेज होगी, जो भी लगवाना हो लगवा सकते हो, हमारे पास सारे आइटम हैं। ये हमारे अंकल की एंट्री हो चुकी है, ये काम करेंगे सबसे ज़्यादा। तो गाइस हमसे मिल रहे हैं चंदन और काका, मेरे साथ मजदूरी करोगे ना तुम भी? अरे ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं है। सुन सुन, ये जितना माल है ना यहाँ से उठा के उसमें शिफ्ट करना है। मुझे तो लग रही है भूख है। भूख है? सुबह से क्या कर रहा था? 2 बज गए। अरे यहाँ पे मैंने तेरे को नहीं देखा, बट है ना वो था बिट्टू और कानी जरूर था। ये चंदन देख लो गाइस, अब देखो अंदर चल, अब ये देख ले, ज्यादा सामान नहीं है देख, इतना ही सामान है, तू अकेला शिफ्ट कर देगा। 500 रुपए दूंगा बता, 500। चंदन बता, हम भी जियो के साथ जीने वाले हैं। जियो की सिम किसके लिए लेके आए? सेटिंग सेटिंग वाले के लिए सिम लाई जा रही है। कोई बढ़िया यार है, कोई बन जाओ दिखानी। अरे यार कोई तो बनो, नल्ले डोल रहे हम। हम मतलब मैं और चंदन नल्ले डोल रहे हैं। भाई इसकी तो है ऑटो वाली, ऑटो वाला, ऑटो वाला प्यार बोलने वाला भी हम। भाई गलत थोड़ी बोल रहा हूं, बोलने वाला भी हम। वाह यार हम मेरे तो है 15-20 है, दूर के कई लोग रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। सिंगल है ठीक है, फिर इस बात पे रहना। आई एम स्टिल सिंगल, मेरी कोई जीएफ नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ यार। हाँ शादी हो चुकी मेरी, शादी हो चुकी मेरी। मैं एक बार कुछ बटो है बाद में और कनाडा, कुछ बटो है बाद में और जब तुम बटो हो यार, एज बड़ी है, एज बड़ी है बाद में कनाडा यार। एक बार इन बोल बात है, बोल कनाडा, एक के कनाडा और अमेरिका, सही बोल, कनाडा कनाडा चुप चुप आगे। हाँ फिर हाँ सही है, सही आगे मेरे लिए कनाडा कनाडा कुछ भी। हाँ एक तो बड़े और एक अमेरिका, अमेरिका मैं दो चीज, कनाडा मतलब है काड़ू कनाडा। प्रोफेशनल काम कौन करी पे, कोई मतलब टॉयलेट साफ करो, पेट्रोल पंप लागो, सच बता रहा हूँ रियली। शादी करनी जी बंदा सब कुछ खर्चो उठानो तो बंदा डंकी थ्रू भाई। सच बता रहा हूँ टंकी कभी मत मारना, आधे तो रास्ते में मर जाते हैं सच में।
वो डंकी थ्रू गया था ना, और उस बंदे को तो वहाँ पे जाके हार्ले डेविडसन और सुप्रा यूके के पास, हाँ वो वहाँ पे उस बंदे ने ले ली थी। और मैं पूछ रहा हूँ भाई कितना, वो इंडिया आया था ना, तो वो ना मेरे को बता रहा था कि भाई ना वो बेड पे ना 500 गड्डी रख रखा था पूरे बेड पे, तो समथिंग 24-25 लाख रुपए बता रहा था वो अपने घर वालों को वो किया था। तो सोच ले इन पैदल जूता निकाल रहे, डंकी मरवाऊंगा इन, बताऊ क्या करिए तू इन मोटरसाइकिल पीछे बांध ले और पच पका। अभी भी बोल रहा हूँ मजदूरी करो तो कोई सो, अरे बताओ 500 दूंगा डंकी छोड़ो थे, अगर आजाद हजार दूंगा चार्ज भी मेरा बंदा तो आनी पड़ेगी फट्टी देना है मन कर फट्टी बड़े काम कर रहा हूँ मेरे भाइयों। एक टाइम में मिला, बाय बाय। ये रही गाइस दूसरी शॉप, इसके अंदर पूरा सामान शिफ्ट करेंगे अपन। ये अब ये लगाए हैं बहुत मुश्किलों से, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जला हुआ, ये लकड़ी कट की थी। एक तो ये ट्रक देखो और इसके सामने छोटा आती देखो, मतलब छोटा ट्रैक्टर कितना छोटा सा लग रहा है, पर सोच के देखो मैं, देखो मैं इसके हाथ तक आ रहा हूँ, ये मेरी कमर तक आ रहा है लास्ट, कितना छोटा है। बच्चों वाला ट्रक है, नहीं ट्रक नहीं ट्रैक्टर है भाई। और ये हमारे अंकल झाड़ू निकालते हैं बड़ी सफाई से, हमारे चाचा घर पे भी निकालते हैं, चाची का काम चाचा ही करते हैं सारा, ऐसा करने लगे तो चाची खुश हो जाए बट करते नहीं है। गाइस यही बढ़िया थी, बट क्या हुआ कि जो इसका मालिक था ना, हमने रेंट भी ले रखा है, वो बोला कि इधर का भी रेंट तुम दो। अब आप बताओ कि हम यूज कर रहे हैं ओनली ये साइड, इधर का हम यूज ही नहीं करते, इसके बीच में पलाई लगी हुई थी, बट वो बोल रहा दोनों साइड का रेंट दो, हम क्यों दे भाई, एक साइड का यूज कर रहे तो एक साइड के देंगे ना। अब ये सारा मालिक छोटे हाथे में शिफ्ट करके लेके जाएंगे, मेरा मन कर रहा है यार इसे चला लो, मेरे को चलाना नहीं आता क्या करूँ, छोटे हाथे फुल हो चुके हैं। हम चले छोटे हाथी पे सवार होके, छोटा हाथी खाली होके आ चुका है, अब हम दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं, राउंड टू के लिए तैयार है हमारा छोटा हाथी। अरे नीचे आओ, तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, पूरी दुकान भर चुकी है। अंकल जी कितने गए, कितने गए? 4.5 लाख का यार, ये सही है 4.5 लाख का। चलने दो चलने दो। अब ये काउंटर उठाएंगे बस, यार इस काउंटर ने पूरा ट्रैक्टर कवर कर लिया। गाइस घर तो आ चुका हूँ, पैंस की टांगी, अरे सॉरी पैंस की टांगी फिर से ट्राई कर रहा हूँ, और कम बोलूँ मैं ये चीजें, बाल उलझ रहे हैं, बट 5 बज गए यार, नहा धो के मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? और नकर मम्मी तुम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं गाइस, और तुम्हारा भाई नहा धो के रेडी हो चुका है, दो फटके सुन के नहाया तुम्हारा भाई, मम्मी सुना रही थी 5-6 फटके साथ में पटक पटक के, पर यार मेरे मम्मी ना सच में यार बहुत परेशान हो जाती है, रौनक की थोड़ी सी तबियत का डाउन हुई, 5 फटके तो मेरे को सुनने मिले, कोई टेंशन ही नहीं है, वो नहीं है वो नहीं है, कल मिलता है आपसे न्यू ब्लॉग के अंदर, बाय बाय।